नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट लाइव गुरु के प्री मैच एनालिसिस सेगमेंट में आपका स्वागत है। भाई, आईपीएल के मैचेस का आगाज हो चुका है और धीरे धीरे सभी टीम्स कई महीनों के ब्रेक के बाद मैदान पर पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी हैं। और साथ ही आज के वीडियो में हम तैयार हैं आईपीएल 2020 के मैच नंबर 2 के बारे में बात करने के लिए, जो खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाते चलें, जिससे आपको मिलती रहे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और करंट सीरीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाई, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं आज के मैच की। तो वेन्यू को देखते हुए अश्विन और अमित मिश्रा के टीम में रहने से दिल्ली कैपिटल्स का स्पिन अटैक काफी मजबूत नजर आ रहा है और साथ ही ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की मौजूदगी दिल्ली की टीम का मिडिल ऑर्डर मजबूत करती दिख रही है। यहां पे अगर दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड कंपैरिजन करें तो कुल 24 बार दोनों टीम्स भिड़ चुकी हैं और दिल्ली महज 10 बार जीती है, तो वहीं पंजाब की टीम ने 14 बार मैच को अपने नाम किया है। बात अगर हाईएस्ट स्कोर की करें तो दिल्ली कैपिटल्स के 231 रनों का पीछा करने उतरी पंजाब ने 202 रन बनाए हैं। वहीं अगर मिनिमम स्कोर देखें तो दिल्ली का 58 रन का स्कोर रहा है और पंजाब का 68 रन का स्कोर। दोनों ही टीम्स का अगर एवरेज स्कोर निकाला जाए तो वो 140 के आसपास रहता है। अब इन स्टैट्स को देखते हुए अभी तक तो पंजाब का बोलबाला ही दिखा है। खैर, अब जरा होने वाले मैच के वेन्यू पे नजर डाल लेते हैं। भाई, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दोनों ही टीम्स के लिए एक नया एक्सपीरियंस है और शुरुआत में ग्राउंड पे ड्यू फैक्टर प्ले हो सकता है, बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा सरफेस जो है वो थोड़ा स्लो होता दिखेगा। पिछले कुछ मैचेस को अगर देखें तो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने बड़ा स्कोर तो खड़ा किया है, लेकिन ऐसा काफी कम बार हुआ है और इस लिहाज से कप्तान जो है वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी चूज कर सकता है। साथ ही इस पिच पे ऑन एन एवरेज 150 का टोटल खड़ा किया जा सकता है। भाई, अब यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रैक स्पिनर्स के लिए बेहद उम्दा है और दोनों ही टीम्स के फिरकीबाज काफी इंजॉय करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बारिश के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर लग रहे हैं। अब ये तो थी इधर उधर की जरूरी इंफॉर्मेशन, अब जरा दोनों ही टीम्स को इंडिविजुअली एनालाइज कर लेते हैं। पहले जांच पड़ताल करते हैं टीम दिल्ली कैपिटल्स की। पंजाब के कंपैरिजन में दिल्ली पिछले सीजन तीसरे नंबर पे रही थी और अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीजन की शुरुआत करने उतरेगी। देखा जाए तो पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ओपनर्स के रूप में टीम को शुरुआत देंगे। आपको बता दें कि गब्बर का पिछला सीजन काफी अच्छा गया था, उन्होंने 16 मैचेस में 135 के स्ट्राइक रेट से 521 रन बनाए थे। वहीं पृथ्वी शॉ ने पिछले सीजन में खेले 16 मैचेस में 353 रन बनाए थे। कप्तान श्रेयस अय्यर टीम को टॉप ऑर्डर में अजिंक्य रहाणे के साथ सपोर्ट दे सकते हैं। शेमरॉन हिटमायर और ऋषभ पंत के विस्फोटक बैटिंग स्टाइल से टीम को मिडिल ऑर्डर में मजबूती मिलेगी। खैर, ऑन पेपर तो दिल्ली की बल्लेबाजी काफी स्ट्रांग लग रही है और यहां ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स मार्कस स्टोइनिस और एलेक्स कैरी के टीम में जुड़ने से टीम को कई ऑप्शंस भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। पिच को देखते हुए दिल्ली का स्पिन अटैक ज्यादा मजबूत है। अमित मिश्रा, रविचंद्रन अश्विन और संदीप लामिचाने की तिगड़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। पेस की बात करें तो ईशांत शर्मा और मोहित शर्मा इस फॉर्मेट के लिए थोड़ा आउटडेटेड जरूर हो गए हैं, लेकिन कगिसो रबाडा और एनरिच नॉटजी इस कमी को पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो था दिल्ली कैपिटल्स का लेखा जोखा, अब बढ़ते हैं टीम किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ। भाई, पंजाब की टीम हर बार टी20 स्पेशलिस्ट के साथ उतरती है, लेकिन आज तक आईपीएल ट्रॉफी उठाने में नाकामयाब रही है। खैर, अगर हम इस साल के स्क्वाड पे गौर करें तो कप्तान केएल राहुल इस साल की शुरुआत में काफी डेडली फॉर्म में थे और उनका पिछला सीजन भी बेहद धमाकेदार रहा था और वो सेकेंड लीडिंग रन स्कोरर भी थे। वहीं राहुल का साथ देने वाले यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल काफी अनप्रेडिक्टेबल बल्लेबाज हैं, लेकिन यहां गेल के होने भर से ही ऑपोजिट टीम के बॉलर्स पे प्रेशर बनता है। मयंक अग्रवाल, मनदीप सिंह, जेम्स निशम, करुण नायर, ये सभी बल्लेबाज टीम को मिडिल ऑर्डर तक मजबूत बनाते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी प्लेयर पे आप आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं और यहां पे ये डर दूर होता है ग्लेन मैक्सवेल और क्रिस जॉर्डन के टीम में जुड़ने से। हाल ही में सीपीएन में धमाकेदार गेंदबाजी करने वाले मुजीबुर रहमान के रूप में टीम के पास इन फॉर्म बॉलर है, जिसे मोहम्मद शमी और शेल्डन कॉटरेल का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। पंजाब के पास ऑलराउंडर के रूप में कृष्णप्पा गौतम, जेम्स निशम और ग्लेन मैक्सवेल जैसे कई विकल्प हैं जो इन्हें यहां पे प्लस पॉइंट देते हैं।
तो भाई कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि पंजाब की टीम के पास भले ही बड़े प्लेयर्स कम हैं, लेकिन इन्हें कम समझने की गलती कोई भी टीम नहीं करना चाहेगी। चलिए अब जरा दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। पंजाब की बात करें तो केएल राहुल, सरफराज खान, ग्लेन मैक्सवेल, निकोलस पूरन, मयंक अग्रवाल, मनदीप सिंह, कृष्णप्पा गौतम, मोहम्मद शमी, मुजीबुर रहमान, क्रिस जॉर्डन, रवि बिश्नोई हो सकते हैं संभावित 11 खिलाड़ी जो खेलेंगे अपना पहला मैच। वहीं दिल्ली कैपिटल से खेल सकते हैं पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, शिमरॉन हिटमायर, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, कगिसो रबाडा, रविचंद्रन अश्विन, संदीप लामिचाने, अमित मिश्रा, हर्षल पटेल। तो भाई यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए और सीएलजी क्रिकेट फैंस की अभी तक की पोलिंग के मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स पंजाब से 60-40 के परसेंटेज से जीतती दिख रही है। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल क्रिकेट लाइन गुरु के साथ।